दोस्तों, मॉडर्न इतिहास में मिडिल ईस्ट का एक विशेष महत्व है, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से देखें तो ईस्ट और वेस्ट दोनों ही दुनिया को यह आपस में जोड़ता है। अंग्रेज इस क्षेत्र को मिडिल ईस्ट के नाम से संबोधित करते थे और हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस क्षेत्र को वेस्टर्न एशिया के नाम से संबोधित करते थे। अगर हम आज से 2000 साल पीछे जाएं तो एक समय ऐसा भी था जब इस क्षेत्र पर कोई ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं देता था, क्योंकि पश्चिमी एशिया का यह इलाका ज़्यादातर रेगिस्तानों से घिरा हुआ है। ईरानी, ग्रीक, रोमन किसी भी साम्राज्य ने यहाँ अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास नहीं किया। हालांकि यह क्षेत्र विश्व के तीन महाद्वीपों एशिया, यूरोप और अफ्रीका का केंद्र बिंदु है, इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री में इस क्षेत्र का महत्व और बढ़ गया। कहा जाता है कि जिसने मिडिल ईस्ट पर अधिकार कर लिया उसने विश्व के दो द्वीपों पर अधिकार कर लिया, और जिसका अधिकार दो द्वीपों पर हो गया समझो उसका अधिकार पूरे विश्व पर हो गया। एक समय यह क्षेत्र छोटे छोटे कबीलों और जनजातियों में बटा हुआ था, लेकिन 7वीं शताब्दी के बाद जैसे ही इस्लाम फैलने लगा ये लोग धर्म के नाम पर एकजुट होने लगे और 11वीं शताब्दी तक अरबों का साम्राज्य काफी बड़ा हो गया। यूनिटी के नाम पर यहाँ की भाषा अरबी और इस्लाम धर्म ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक ईश्वर में विश्वास रखने वाले इस धर्म से कई लोग जुड़ते गए, कई लोग अपनी मर्जी से जुड़े, क्योंकि उस समय इस्लाम धर्म ऐसा था जिसमें ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था, सब समान थे। और कई लोग मजबूरी में जुड़े, क्योंकि अरब जिस क्षेत्र पर राज करते थे वहाँ के गैर मुस्लिमों पर मनचाहा कर वसूलते थे, इसलिए कई लोगों को मजबूरी में इस्लाम अपनाना पड़ा। एक समय अरबों का यह साम्राज्य सिंध से लेकर स्पेन तक पहुँच चुका था। हालांकि इस पूरे क्षेत्र में सभी अरब नहीं थे, यहाँ अलग अलग धर्म और संस्कृति के लोग भी थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे अरबों की शक्तियाँ भी कम होती गई, क्योंकि मंगोलों और ऑटोमन एम्पायर के आक्रमण लगातार बढ़ते गए। 15वीं और 16वीं शताब्दी में यह क्षेत्र ऑटोमन एम्पायर के अधीन था, लेकिन जैसे जैसे ऑटोमन एम्पायर कमजोर होने लगा अरब के लोगों में आंदोलन शुरू होते गए। इसकी शुरुआत हुई इजिप्ट, सीरिया, लेबनान और इराक से, क्योंकि जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ा लोगों को समझ आने लगा कि वो अरब हैं, उनकी भाषा अरबी है और वो ऑटोमन एम्पायर के अधीन नहीं रह सकते। इसमें ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका का भी हाथ था, क्योंकि इन्होंने सीरिया और लेबनान में अपने विश्वविद्यालय स्थापित किए थे, इसलिए यहाँ की नई पीढ़ी एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रही थी। और जहाँ तक बात करें ब्रिटेन और फ्रांस की, तो ये तो हम अच्छे से जानते हैं कि ये फ्री में तो कुछ करने वाले नहीं है। इनकी नज़र इस क्षेत्र पर शुरू से ही थी। इस क्षेत्र में एकता का पहला आंदोलन बना बहावी आंदोलन, जब यहाँ ऑटोमन एम्पायर का राज था और ऑटोमन अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण लगातार कमजोर होते जा रहे थे। इसी समय अरब क्षेत्र में यहाँ के तुर्क सूबेदार को पद से हटा दिया गया और कासिम ने 1633 में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर दी। यही कासिम और उनके उत्तराधिकारी बाद में इमाम के नाम से मशहूर हुए। आगे चलकर 18वीं शताब्दी में वहावी के नाम से एक नया संप्रदाय शुरू हुआ। इस नए संप्रदाय का प्रवर्तक मोहम्मद इब्न अब्दुल बहाव था, जिनका मानना था कि इस्लाम का वर्तमान मोहम्मद साहब की शिक्षाओं से दूर हो गया है, इसलिए इस्लाम को फिर से शुद्ध करने के लिए आंदोलन शुरू किया गया, जिसे वहावी आंदोलन का नाम दिया गया। एक समय अरबों में यह आंदोलन काफी लोकप्रिय भी हुआ और इन लोगों की ताकत धीरे धीरे बढ़ती गई। इस आंदोलन के समर्थकों ने 1733 में रियाद, 1801 में इराक और 1804 तक मक्का मदीना पर विजय हासिल कर ली। इस समय तक ऑटोमन सुल्तान अपनी कमजोरी के कारण बस देखता ही रहा, वो कुछ नहीं कर पाया। हालांकि इजिप्ट में मोहम्मद अली पाशा काफी मजबूत था और सुल्तान ने मोहम्मद अली से मदद मांगी। मोहम्मद अली ने 1817 में अपने बेटे इब्राहिम को इस आंदोलन को दबाने के लिए भेजा। इब्राहिम ने 1818 तक इन आंदोलनों को पूरी तरह से दबा दिया और फिर से मक्का मदीना पर अधिकार कर लिया। वहाबियों के नेताओं को कुस्तुनतिनिया ले जाया गया, जहाँ उसे मौत की सजा दे दी गई, और इस तरह से आंदोलन तो खत्म हो गया लेकिन आंदोलन का प्रभाव बना रहा। वहाबी आंदोलन के अलावा 19वीं शताब्दी की शुरुआत में एक और आंदोलन शुरू हुआ, अखिल इस्लामवादी आंदोलन, जिसकी शुरुआत नासिर कमाल द्वारा 1856 में की गई थी, जिसे ऑटोमन सुल्तान अब्दुल हमीद सेकंड का समर्थन भी मिला था। इस आंदोलन का उद्देश्य था सभी मुस्लिमों को एकजुट करना ताकि यूरोपीय ताकतों से लड़ा जा सके। हालांकि यह आंदोलन 1872 तक खत्म हो गया, क्योंकि सभी मुस्लिमों को एक साथ लाना असंभव था, क्योंकि यहाँ अलग अलग एथनिसिटी के लोग थे। सुल्तान ने काफी कोशिशें की, अरबों को अपने दरबार में जगह भी दी, लेकिन यह आंदोलन बाद में फेल हो गया क्योंकि अरबों में नेशनलिज्म की भावना शुरू हो चुकी थी।
और अरबवादी आंदोलन शुरू हो चुके थे। वेस्टर्न पावर ने इन अरबवादी आंदोलनों का समर्थन किया क्योंकि वो इनके इस्तेमाल से ऑटोमन एम्पायर को और कमजोर करना चाहते थे। दोस्तों, हम इजिप्ट के इतिहास के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं कि वहाँ किस तरह से ब्रिटेन और फ्रांस ने अपना कब्जा जमाया। वीडियो की लिंक मैं नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, इस तरह से अरब राष्ट्रवाद के कारण मिडिल ईस्ट में ऑटोमन एम्पायर और कमजोर होते जा रहा था, जिसके बाद समय आया प्रथम विश्व युद्ध का, जिसमें ऑटोमन एम्पायर ने सेंट्रल पावर की ओर से युद्ध में भाग लिया और इस युद्ध में सेंट्रल पावर की हार हुई। इस युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने अरबों का फायदा उठाया और उन्हें स्वतंत्र राज्य का लालच दिया, जिसके कारण अरबों ने ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी। लेकिन युद्ध के बाद ऑटोमन एम्पायर के हिस्सों को ब्रिटेन और फ्रांस ने आपस में बांट लिया, जहां सीरिया और लेबनान पर फ्रांस का कब्जा हो गया, फिलिस्तीन, जॉर्डन और ईरान पर ब्रिटेन का कब्जा हो गया। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो फिर से ब्रिटेन और फ्रांस को लगा कि उन्हें अरबों की जरूरत है, तो उन्होंने फिर से स्वतंत्रता का वादा किया। लेकिन इस बार यहाँ नेशनलिज्म की भावना ने जोर पकड़ा और यहाँ के लोगों ने ठान लिया कि वो अब इन्हें यहाँ से बाहर निकाल देंगे। बात करें जॉर्डन की, तो 1946 में ब्रिटिश सरकार ने किंग अब्दुल्ला को जॉर्डन की गद्दी पर बैठाया और जॉर्डन को आज़ादी दे दी। लेकिन अब्दुल्ला ब्रिटेन का समर्थक बना रहा, जो कि ब्रिटेन के इशारे पर काम करता था, और 1951 में राष्ट्रवादियों ने अब्दुल्ला की हत्या कर दी। उसके बाद किंग हुसैन राजगद्दी पर बैठे, जिन्होंने ब्रिटेन के साथ सारे समझौते खत्म कर दिए, जिसके अनुसार ब्रिटिश सेना जॉर्डन के आधार का इस्तेमाल कर सकती थी। लेकिन 1957 तक ब्रिटिश सेना को यहाँ से जाना पड़ा। बात करें इराक की, तो इराक का शासक फैजल और प्रधानमंत्री नूरी एस सैद दोनों ही ब्रिटेन के समर्थक थे, जिन्होंने ब्रिटेन के साथ 1955 में बगदाद एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया था, जिसके अनुसार अगर कोई देश इराक पर हमला करता है तो ब्रिटेन इराक की मदद करेगा। लेकिन स्वेज कैनाल क्राइसिस के बाद से यह जग जाहिर हो चुका था कि ब्रिटेन अब कमजोर हो चुका है, वो अब खुद की मदद नहीं कर सकता तो इराक की क्या करेगा। जिसके बाद राजा और प्रधानमंत्री दोनों की हत्याएं कर दी गई और इराक 1958 में रिपब्लिक बन गया। वही बात करें ईरान की, तो मिडिल ईस्ट में ईरान एक ऐसा देश था जिसकी सीमाएं USSR से लगी हुई थी, इसलिए सोवियत यूनियन ने ईरान में कम्युनिज्म को फैलाने की कोशिश की। लेकिन ईरान के शाह रजा पहलवी ने अमेरिका के साथ 1950 में रक्षा समझौता कर लिया और अमेरिका ने ईरान को आर्थिक और सैन्य सहायता दी। समय कोल्ड वॉर का था, इसलिए ईरान को अमेरिका का समर्थन चाहिए था, लेकिन वहाँ राष्ट्रवादी वेस्टर्न ताकतों से नफरत करते थे, इसलिए ईरान में अमेरिका और ब्रिटेन के खिलाफ नफरत ज्यादा बढ़ गई। ऊपर से एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी, जिसमें ब्रिटेन के शेयर ईरान से ज्यादा थे, लोग यह महसूस कर रहे थे कि ब्रिटेन उनके संसाधनों का फायदा उठा रहा है। 1951 में ईरान के प्रधानमंत्री डॉक्टर मुजदीक ने कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, लेकिन ब्रिटेन नाराज हो गया और ब्रिटेन की नाराजगी के चलते बाकी देशों ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया। मजबूरी में डॉक्टर मुजदीक को त्यागपत्र देना पड़ा। 1954 में फिर से दोबारा एक समझौता हुआ, जिसमें ब्रिटेन को 40% हिस्सा मिला और ईरान को 50%। लेकिन राष्ट्रवादी मुस्लिम इससे संतुष्ट नहीं थे, उन्होंने शाह पर अमेरिका से नजदीकी का आरोप लगाया और अंत में शाह को देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। और 1979 में ईरान आयतुल्ला खुमानी के नेतृत्व में इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। बात करें लेबनान की, तो यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ्रांस के अधीन था और 1945 में पूरी तरह से आजाद हो गया था और एक संपन्न राज्य भी बन चुका था। लेकिन 1975 के सिविल वार के बाद यह देश पिछड़ता गया। दोस्तों, हम इसराइल के बारे में पहले ही काफी बात कर चुके हैं और इसराइल के बिना मिडिल ईस्ट की कल्पना मतलब बिना आलू का समोसा, क्योंकि इसराइल ने पूरे मिडिल ईस्ट की राजनीति को प्रभावित किया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। यह एक इंट्रो वीडियो था मिडिल ईस्ट के बारे में। इस सीरीज के अगले वीडियो में हम सभी देशों के बारे में बात करेंगे। तो विदा लेते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।